Friends, Dr. Manish for Dr. Sasangi's clinic, Dr. Sasangi's channel. Warm hug to all of you. Welcome. आज मैं आपको rheumatoid arthritis के बारे में बहुत ही important information दूंगा. This will be 101 information on RA, rheumatoid arthritis. ये information uncut, unbiased होगी. ये उसके equivalent होगी. जैसे आप मेरे clinic में आते हैं, उससे उपचार लेते हैं, उसके just equivalent information होगी. इसको मिस मत करेगा. अगले 5 मिनट तक लगातार देखिएगा. यहां से आप ऐसी कुछ जानकारियां ले जा सकते हैं जिसमें आप अपने परिवार या अगर आप खुद सफर कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कितना सक्सेसफुल हो सकता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सी दवाइयां चलाई जाती हैं और किस हद तक आपको उसमें आराम मिलता है. ये दोनों कंपैरेटिव बताने वाले वीडियोस अभी तक चैनल्स पे नहीं होंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर डेब्यू इन्फॉर्मेशन टू यू. डोंट मिस इट फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, टेक अवे पॉइंट्स इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है, होम्योपैथी सेकेंड जनरेशन थेरापेटिक्स इज वन ऑफ द बोन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड इवन आर्थराइटिस. सेकेंड जनरेशन थेरापेटिक्स में आइए कम से कम ड्रग्स के साथ और जल्द से जल्द आप रेमिशन फेज में जाएंगे और सस्टेन्ड रेमिशन फेज में जाएंगे. रेमिशन इसलिए क्योंकि रेमिशन का मतलब हो गया बीमारी की पेन और बीमारी का प्रोग्रेस जो जोड़ को खराब कर रहा है वो रुक गया है या उसमें आराम मिला, उसको हम रेमिशन कहते हैं. फ्रेंड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटोइम्यून डिजीज, एक ऑटोइम्यून डिजीज है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे आपको पता चलेगा ये आ रहे हैं? आपके जोड़ों में हल्का दर्द होगा, आप सुबह उठेंगे आपको टाइटनेस महसूस होगी. कभी कभी आपको ये टाइटनेस बहुत साल महसूस हो सकती है. कभी कभी ये एटिपिकली मतलब झटके से इतनी तेजी से प्रेजेंट करता है कि 6-7 दिन में ही आपके बॉडी में बहुत सारा पेन होता है. आप कहेंगे नहीं भाई, मेरे पैरों में, मेरे हाथों में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है. कभी कभी ये दर्द अपने आप होते हैं, ठीक हो जाते हैं. लेकिन अगर ये दर्द आपको चल रहा है, इसके अलावा आपके जोड़ों में हल्की सी रेडनेस है, स्वेलिंग है, आपके जोड़ों में सूजन भी रहेगी, हल्के सूजेंगे, आप कहेंगे कि मैं जो बैंड पहनता था या मैं जो कपड़े पहनता था या जो मैं रिंग पहनती थी वो पहले से टाइट हो जाती मॉर्निंग में उठने के बाद, तो डेफिनेटली ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है. चौथा सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि आपके जो जोड़ होंगे उनमें हल्की सी रेडनेस भी दिखाई दे सकती है. और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, इसको हम कहते हैं फ्लू लाइक सिकनेस. आपको बुखार हो सकता है, आप महसूस करेंगे कि नहीं भाई, मुझे हल्का सा टेम्परेचर चल रहा है इतने दिनों से, मुझे हल्का सा पेट भी चल रहा है, मैं गिरा गिरा महसूस कर रहा हूं, मैं अच्छी नहीं महसूस कर रही हूं, कर रहा हूं. ये सभी फीचर्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फीचर होते हैं. दोस्तों, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों शब्द हैं, दोनों आपके लिए सेम है. लेकिन मेडिकली स्पीकिंग आर्थराइटिस में वियर एंड टियर मतलब एज के साथ जब जोड़ों में दिक्कत होती है, चोट लगने के बाद जोड़ों में दिक्कत होती है, हम बहुत जंप करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तब जोड़ों में दिक्कत होती है, तो वो आर्थराइटिस है. आर्थराइटिस इज अ लाइट डिजीज, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये भी जॉइंट खराब करती है. ये मैकेनिकल डिजीज है, ये वियर एंड टियर की ट्रॉमा से इंड्यूस डिजीज है जो हमें सबको होगी. लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस छोटी उम्र में हो सकती है, इसको हम कहते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस JRA. यंग एज में भी हो सकती है. इवन एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक तरह की रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़ी हुई ऑटोइम्यून डिजीज है. तो मैं इन सबके बारे में बात कर रहा हूं. इन सबके केस में एक्स्ट्रा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं आंखों के सूजन के रूप में, किडनी या लिवर के इन्वॉल्वमेंट में. देखिए मित्रों, दो वर्ड्स हैं, अर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अर्थराइटिस, अर्थराइटिस भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा ही आपके लिए प्रतीत होगा. मेडिकली स्पीकिंग डॉक्टर्स के लिए इसमें डिफरेंस होता है. अर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ अ जॉइंट्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑल्सो अ डिजीज ऑफ अ जॉइंट, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज मोर देन अ जॉइंट. वो आपके जॉइंट्स तो खराब कर सकती है लेकिन आपके बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज जो जोड़ों को जोड़ते हैं, जो हमारी बॉडी बनाते हैं, जो स्ट्रोमा बनाते हैं, हमारी आंखें, आंखों की पुतली, हमारे मायोकार्डियल टिश्यूज, हमारे लिवर के आसपास के एरियाज, हमारे जॉइंट्स के आसपास के कार्टिलेज और सॉफ्ट टिश्यूज, सभी कनेक्टिव टिश्यूज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट करता है. इसलिए इसको हम मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर के रूप में भी जानते हैं. देखिए मित्रों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होम्योपैथिक इलाज बहुत सफल और बहुत बेहतर है. मैं इसको कहता हूं
अ सस्टेन्ड रेमिशन फेस ट्रीटमेंट विथ सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर की रोग प्रतिरोध क्षमता, आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके जोड़ों को खराब करना शुरू करती है। अर्थराइटिस की तुलना में रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज्यादा तकलीफ देह है। When you can start with the self-help as well as when you can look ahead with the treatment. कब किसी पेशेंट जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर करता है उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए और कब उसको अपने हद तक अपने घरेलू उपचार के साथ चलना चाहिए। देखिए, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो डेफिनेटली बहुत दिनों तक घरेलू उपचार के साथ आपको नहीं चलना चाहिए क्योंकि आपको स्पेशल एडवाइस की जरूरत होती है। आपको बीमारी की सीरियसनेस को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस उपचार को ठीक करने की स्ट्रेटजी में। तीसरा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम फोर स्टेज में बांटते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर। स्टेज फोर वो स्टेज है जिसमें अब सूजन नहीं है, आपके जोड़ खराब हो चुके हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री के बारे में बात करूंगा। स्टेज वन ऐसी स्टेज है जिसमें अगर पेशेंट ने अपनी खुद की सेल्फ हेल्प की, अगर उसने तरीके से विटमिन्स, डाइट और अपने आचार व्यवहार, अपने सोच में पॉजिटिव बदलाव किया तो स्टेज वन पे इस बीमारी को बीमारी के रूप में क्लोज किया जा सकता है, वापस हेल्दी हो सकते हैं, कंप्लीटली रिवर्सिबल। स्टेज टू, यहां पे इंपॉर्टेंस आती है मेडिकल साइंस की। देखिए, स्टेज टू, स्टेज थ्री ये दोनों ही मेडिकल साइंस के रियलम्स है, मतलब ये दोनों ही मेडिकल साइंस द्वारा ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपको नहीं आना चाहिए, इसमें आपको डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए। स्टेज टू बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, स्टेज वन, स्टेज टू ये दोनों ही बेस्ट है होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के लिए। इन थेरापेटिक्स को हमने स्टेज से इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये जो लेटेस्ट होम्योपैथिक थेरापेटिक्स हैं जो डॉक्टर सत्संगीस में हम करते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स। इन थेरापेटिक्स में स्टेज वन, स्टेज टू से ही इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। स्टेज थ्री पे भी वर्क कर सकती है बट स्टेज थ्री इज नॉट अ वेरी यील्डिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, इसमें आपके रिजल्ट्स वो बेहतर नहीं आ सकते हैं जो मैं उम्मीद करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कंपैरेटिव ट्रीटमेंट एनालिसिस बताऊंगा, कंपैरेटिव ट्रीटमेंट एनालिसिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को किस तरीके से हम ट्रीटमेंट के संज्ञान में लेते हैं, किस तरीके से हम मान के चलते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपको है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस नटशेल इज अ ऑटोइम्यून डिजीज, अंदर से पैदा ही बीमारी है। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइकोसोमेटिक बेस होता है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को तय करता है। सो फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट होम्योपैथिक थेरापेटिक्स इन दिस, मैं आपको एक थेरापेटिक्स क्लू दूंगा, स्पेशली मैं ये क्लू होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी दूंगा जो इससे एक्सपोज हो रहे हैं इस वीडियो से अभी। देखिए, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स और मेडिकल साइंस की थेरापेटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, जब हम ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या मेन स्ट्रीम या मॉडर्न साइंस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस, उसको समझने के तरीके मॉडर्न साइंस के हो सकते हैं, लेकिन जो थेरापेटिक एजेंट होते हैं वो एलोपैथिक थेरापेटिक एजेंट का हम यूज नहीं करते, हम वहां पे होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने इन ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स को सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स के नाम से, रजन थेरेपी के नाम से क्लिनिक्स में रखा है और ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। तो पहला, स्टेज वन, स्टेज टू पे जो बहुत सारी कारगर दवाइयाँ होती हैं उनमें बायोकेमिक सॉल्ट्स बहुत यूजफुल हैं। बायोकेमिक सॉल्ट्स होम्योपैथिक डाइल्यूशन जो कि सिमिलिमम से लेकर जीनियस ऑफ मेडिसिन पे भी बेस्ड हो सकते हैं, ये दोनों ही इन ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को डिसाइड करते हैं कि आप में क्या हम शुरू करेंगे। तो कुछ ड्रग्स हैं आपके नोट करने के लिए लेकिन बहुत यूजफुल नहीं जब तक कि आप इनकी पोटेंसीज या इनकी पोसोलॉजी ना जाने। सो कालीम्यूर, नेट्रमफॉस, कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया फॉस, सलीशिया, एक्यूट जॉइंट में सूजन है, पेन बहुत हो रहा है, फेरमफॉस, मैकफॉस, ये दोनों दवाइयों को गर्म पानी में 10-10 या 8-8 पैलेट्स आप घोल के 3 बार दिन में लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो रेडनेस है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसमें आपको आराम मिलेगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। कुछ मदर टिंचर्स है जो शुरुआत में पैलिएटिव एक्शन करती है, मतलब ये हल्का सा प्राइमरी एक्शन और माइल्ड सेकेंडरी एक्शन से आपकी मदद करती है बट ये बहुत सस्टेन नहीं होता है। उनमें स्टेलेरिया मीडिया मदर टिंचर है, बर्बेरिस वुलगैरिस है, रिसिनस कम्युनस है, बैलेस्परिनस ये डाइल्यूशन में भी बहुत अच्छा काम करती है, साथ में इसके मदर टिंचर भी काम करते हैं। कुछ
मेडिसिन से जो अपने जीनियस के अंतर्गत इन सिम्टोमेटोलॉजी के साथ सिमिलिमम रिएक्शंस देती हैं, और ये स्पेशली सेफलेटिक, साइकोटिक और सोरिक रिएक्शन से जुड़ी हुई हैं, जो कि इस बीमारी के म्यूजमेटिक बेस में आता है। इन ड्रग्स में लिडम पेलेस्ट्रे, बेलेस्पेरेनस, लुटाग्रेव्युलांस, रस टॉक्सीडांड्रॉन डेल्यूशंस के रूप में ज्यादातर जो पर्सनालिटी है, इसमें साइकोसोमैटिक चेंजेस होते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इसके अंतर्गत कुछ स्पेशल मेडिसिन आती हैं, उसमें सिफिलिटिक ग्रुप्स की मेडिसिन नंबर वन है, उसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो एसिड नाइट्रिकम इसमें बहुत ही इंडिकेटेड ड्रग होती है बिकॉज ऑफ द साइकोसोमैटिक पिक्चर विच मोस्ट ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज पेशेंट्स शेयर। इंस्टेड कि आप एलोपैथिक ड्रग्स में स्टेज वन से टू पे जा रहे हैं, थ्री पे जा रहे हो, फिर फोर्थ पे आप सर्जरी करवा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस रूमेटोलॉजिस्ट या एलोपैथिक दवा में वेल मैनेज्ड केस हो सकता है, जिसमें समय समय पे दिक्कतें भी आती हैं और साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में अगर सही तरीके से डॉक्टर सत्संगी, क्लिनिक जैसे एक्सपर्टीज और अच्छे डॉक्टर्स के साथ आपने इलाज लिया, तो ये ठीक किया जा सकता है। हर एक स्टेज पे साइंटिफिकली प्रोटोकॉल बेस्ड ठीक किया जा सकता है, और इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन इन दिस ट्रीटमेंट। तो मैं फ्रेंड्स आपको कहूंगा कि इसको आप डेफिनेटली थेरापेटिक्स के अंतर्गत ट्रीटमेंट पे लेकर जाइए, क्योंकि अगर आप बायोलॉजिक्स पे रहते हैं, आप एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेराइड्स पे रहते हैं, तो यू आर एट हायर रिस्क ऑफ कैचिंग द कॉमन इन्फेक्शन, स्पेशली कोविड जैसे इन्फेक्शन जहां पे बहुत कॉमन है आज की डेट में, एपिडेमिक्स आ रहे हैं। तो आपके जैसे लोगों में कोविड इन्फेक्शन से डेथ की रेट कम से कम 8 गुनी एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में ज्यादा रहती है। तो मैंने ये नहीं कहा है कि सिर्फ आपको रूमेटॉइड एजेंट्स के कारण साइड इफेक्ट्स या उनके अपने टॉक्सिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं, इसके अलावा कोलेटरल डैमेज है, यू आर मोर एक्सपोज टू वायरल इन्फेक्शन कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। तो अगर आप स्टेज थ्री पे नहीं है, तो डेफिनेटली आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होलिस्टिक मेडिसिन से, इन केस कोई और भी ट्रीटमेंट से, तो उसकी तरफ ट्राई करना चाहिए। लेकिन यस, वेल कंट्रोल्ड क्वालिफाइड डॉक्टर जो आपको हर एक पॉइंट्स पे मेडिकली सुपरवाइज कर पाए। तो इस रेमिशन को होम्योपैथिक ड्रग्स के द्वारा काफी बढ़ाया जा सकता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एम ऑफ द ट्रीटमेंट। सेकेंड एम ऑफ द ट्रीटमेंट है जब आपके दूसरे जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के वो इंप्रूव करें, आपका हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज करे, आपकी एक्टिविटी इंक्रीज करे, आपकी एफिशिएंसी और आपका इस समाज से जुड़ा हुआ उत्पादन या आपकी फिजिबिलिटी इन द सोसाइटी इंक्रीज करे। अगर ये इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक्स। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेड टू पे हैं, स्टेज टू पे हैं, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आप सस्टेन्ड रेमिशन फेज में जाएंगे, जिसको हम कहते हैं जड़ से ठीक होना, मतलब आप काफी हद तक ठीक हो गए, पेन किलर्स पे नहीं है, अगर मैं आपका ट्रीटमेंट बंद करूं तो भी सब चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम आती है जब आप स्टेज थ्री पे डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं। स्टेज थ्री पे बहुत पेन होता है पेशेंट को, क्योंकि जोड़ खराब कर रही है, तो आपके आंखों में भी जोड़ के टिश्यूज हैं, आपके लंग्स में भी पाए जाते हैं, आपकी किडनी में भी पाए जाते हैं, तो आपके बॉडी में जगह जगह रूमेटॉइड नोड्यूल्स बनी रहती हैं, आपके बॉडी को ऐसे टच भी करें तो आपको पेन होगा। इसके अलावा आंखों में सूजन होना और स्क्लेरा एंड इवन आपकी आंखों की ज्योति खत्म हो जाना भी चांसेस होते हैं इस बीमारी में। तो इसलिए स्टेज थ्री पे इसके लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत होती है। तो इसमें भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो इस पर्टिकुलर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ काफी ट्रेंड हैं मेडिसिन में, वो इस स्टेज पे भी होम्योपैथिक थेरापेटिक्स को बहुत सक्सेसफुली चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक ऑक्युलर ऑक्युलिस्ट के साथ, एक अच्छे रूमेटॉइड एसोसिएटेड MSIs के साथ बहुत अच्छा ये काम कर सकते हैं। बिकॉज उन दौरान जब आपको अटैक्स आते हैं आपको आंख के, तो आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं होते चेक करने के, जो एक ऑक्युलिस्ट कर सकता है, जो एक आई सर्जन कर सकता है, तो आपको उसकी मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अल्टीमेटली आप उसको मेन स्टे होम्योपैथी थेरापेटिक्स पे रखते हैं, और स्टेज थ्री पे अगर हमने उसको किसी तरीके से स्टेज टू पे ले जाए, स्टेज टू पे वन पे ले जाए, फिर रेमिशन फेज पे ले जाए, फिर सस्टेन रेमिशन पे ले जाए, तो डेफिनेटली ये आपके जीवन में पूरी आपकी कंडीशन बदल देता है। तो मैंने आपको बायोकेमिक लाइन बताई, मैंने बताया कि स्टेज वन सबसे इजी है जिसमें आप सेल्फ केयर कर सकते हैं, स्टेज टू में आपको होम्योपैथिक ड्रग्स वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, स्टेज थ्री पे होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के लिए बहुत ही ट्रेन डॉक्टर होना चाहिए जिसको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और आपकी मेडिकल इश्यूज के बारे में किसी अच्छे डॉक्टर के साथ समन्वय रखने की
प्रोटोकॉल्स तय हों, मतलब आंख में अगर सूजन आई है और आंख खराब हुई है तो डेफिनेटली आपको इमीडिएटली ऑक्युलिस्ट या ऑक्युलर सर्जन के पास ट्रीटमेंट करें, फिर वापस आपको होम्योपैथिक ड्रग्स पे रख ले। इस तरीके से स्टेज थ्री पे भी होम्योपैथिक थेरापेटिक्स आपको टू पे ले जा सकती है, वन पे ले जाकर आपको रिकवर करेगी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। नाउ वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ दिस होल वीडियो, देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थराइटिस इज अ क्योरेबल एंटिटी, I don't tell it curable. I call it a treatment which can be healed well, where there is a sustained benefit even after withdrawing the treatment. लेकिन definitely कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो diet से जुड़ी हुई हैं. Diet में आपको omega acids, देखिए omega acids और vitamin D ये बहुत ही अफराध हैं इस पूरे जहां पे. It's very common to find these vitamin D and omega acids everywhere. Flax seeds, nuts. In case आप non-veg खाते हैं तो egg yolks. मैं रिकमेंड नहीं करता हूं उससे ज्यादा. मॉर्निंग की 5 या 10 मिनट की सनलाइट आपको रोज लेनी चाहिए, मॉर्निंग या इवनिंग की, स्पेशली मॉर्निंग की सनलाइट विटामिन डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बी कॉम्प्लेक्स की दालें जरूरी हैं. मौसम के फल, मौसम की सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स प्रे गॉड, लेट्स लव ह्यूमन बींग, लेट्स ट्राई टू फॉरगिव पीपल. मन में रिजेंटमेंट या कंटेंट नहीं रखना चाहिए, हमें फॉरगिव करना चाहिए. ये सब थॉट प्रोसेस पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है. अगर हमने इनको अच्छे से मैनेज किया और कुछ अच्छे होम्योपैथिक ड्रग्स को लेते रहें तो मैं श्योर हूं कि आपको कभी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपके जोड़ नहीं खराब होंगे, कभी भी उन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पे फ्रॉम स्टेज 1 to stage 4 तक आपको वेल मैनेज कैसे जीवन दिया जिया जाता है वैसे सिखाया जाता है. इन यूएस आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी मेडिकल लाइफ ही उनकी बीमारी को कंट्रोल करने में और वेल मैनेज करने में रह जाती है, कभी भी क्योर नहीं करते हैं बीमारियां. It is the shortcoming of a mandated medicines that the disease is not curable in mandated medicines. In most of the cases, the chronic disease can be well managed but not curable. इसमें sustained benefit नहीं दे सकते हैं long term treatment के साथ भी, और इसके side effects, इसके collateral side effects, इसके adverse drug reactions definitely आपकी life को भी छोटा कर सकते हैं. तो मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर definitely medical science को बहुत closely watch करना चाहिए, किस तरीके से इसको कम से कम मेजर ड्रग्स का इस्तेमाल करें. आप स्टेज 1 stage 2 पे मेजर ड्रग्स को नहीं यूज करिए, मॉडिफाइंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है. पेन हो रहा है तो पेन के लिए आप दूसरी पद्धति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिकेशन, सेकंड जनरल होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, डॉक्टर सत्संगी के यूनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, ये टेक अवे है यहां से. आपको कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए stage 2 stage 3 पे, आप एजुकेशन के लिए मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं. मेरे इस ट्यूटोरियल को आपने देखा है, मुझसे मिल सकते हैं मेरे क्लिनिक्स में. मैं आपको, आपके परिवार में किसी को तकलीफ है तो मैं आपको एजुकेट करने में बहुत खुश फील करूंगा. और मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूं और आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूं. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू.